गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे वो है डिराक्स रिलेटिविस्टिक इक्वेशन। अभी तक हमने केजी के रिलेटिविस्टिक इक्वेशन की बात करी थी, जितने भी हमारे टॉपिक थे एक्सेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वाला जिसमें हमने स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल की बात करी थी, वो सारा आपका केजी पे बेस था। आज जो हमारी टॉपिक है वो है डिराक्स रिलेटिविस्टिक इक्वेशन, उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इन 1962 डिराक फॉर्मुलेटेड एन इक्वेशन टू अवॉइड द डिफ़िकल्टीज अराइजिंग इन केजी इक्वेशन। 1962 में डिराक ने एक इक्वेशन बनाई जो कि अवॉइड करना चाहता था वो प्रॉब्लम्स जो केजी इक्वेशन में आ रही थी, जो डिफ़िकल्टीज़ आपकी केजी इक्वेशन को फॉर्मुलेट करने में आ रही थी, उन डिफ़िकल्टीज़ को अवॉइड करते हुए, उनको हटाते हुए डिराक ने एक इक्वेशन फॉर्मुलेट करी ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉरेंट्स इनवेरियंस। आपने ये देखा था कि जो हमने केजी इक्वेशन डेवलप करी थी वो भी इस पे एम्फेसिस डाल रही थी कि वो आपकी इक्वेशन लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन में इनवेरियंट रहनी चाहिए। तो डिराक ने भी इसी चीज़ को एम्फेसिस रखते हुए अपनी इक्वेशन को फॉर्मुलेट किया, विच डिमांड एन इक्वेशन विच इज़ लीनियर। और लॉरेंट्स इनवेरियंस अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इक्वेशन विच इज़ लीनियर इन एच, जो कि एच में लीनियर है, लीनियरिटी शो कर रहा है। आपने क्लासिकल मैकेनिक्स में ये चीज़ पढ़ी होगी कि इक्वेशन विच इज़ लीनियर इन एच एंड हैंस इन ई, क्योंकि एच में है और एच साइज इक्वल्स टू ई साइज आता है, तो अगर लीनियर इन एच है, अगर एच में वो लीनियरिटी शो कर रहा है तो इट शुड बी लीनियर इन ई ऑल्सो, मस्ट ऑल्सो बी लीनियर इन पी, तो वो पी में भी ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप पी को फोर वैक्टर के फॉर्म में निकालते हैं तो P1, P2 और P3 जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं वो तो स्पेशल कॉम्पोनेंट्स होते हैं, पर जो उसका चौथा कॉम्पोनेंट होता है विच इज़ इक्वल इन टू आयोटा E/C वो एनर्जी कॉम्पोनेंट होता है। तो डिराक ने क्या करा, डिराक ने एक इक्वेशन फॉर्मुलेट करी उन डिफ़िकल्टीज़ को हटाने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए जो कि केजी इक्वेशन में आ रही थी, और यह ध्यान में रखते हुए बनाई कि उसमें जो लॉरेंट्स इनवेरियंस वाला जो प्रिंसिपल था, क्योंकि जो आपका नॉन रिलेटिविस्टिक में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो इनवेरियंट रहे, और उसको इनवेरियंट रखने के लिए ये ज़रूरी है कि वो इक्वेशन जो कि एच में लीनियर है तो वो ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी में भी लीनियर होगी, तो इट शुड बी लीनियर इन पी, क्योंकि आपका पी का जो पी के जो फैक्टर्स होते हैं फोर वेक्टर फॉर्म में, उसमें जो फोर्थ फैक्टर होता है पी का वो आपका ई पे एनर्जी पे, टोटल एनर्जी पे डिपेंड करता है। ये तो हुई थ्योरी की बात। आगे हम देखते हैं कि डिराक ने क्या किया। डिराक अप्रोच्ड डिराक अप्रोच द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग अ रिलेटिविस्टिक वेव इक्वेशन फॉर्म। हम इस इक्वेशन को लेके चल रहे थे, श्रोडिंगर इक्वेशन को, जो कि थी एच साई इज इक्वल्स टू ई साई, ई का हमने ऑपरेटर लिख रखा है आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी। अब हमें क्या करना है, इस एच को लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि डिराक का मेन एम्फेसिस था, लीनियराइजेशन ऑफ हैमिल्टोनियन एच। डिराक टुक अ बोल्डर अप्रोच ऑफ बाय अज्यूमिंग दैट द हैमिल्टोनियन एच इज़ लीनियर इन एनर्जी एंड मोमेंटम। डिराक ने जो अपनी पॉइंट स्टार्ट करा इस चीज़ को डराइव करने के, इस चीज़ को इवेलुएट करने के, उसने माना ही स्टार्टिंग में ये कि मेरा जो एच है वो आपका एनर्जी में भी लीनियर है और मोमेंटम में भी लीनियर है, जो कि लॉरेंस इन्वेरियंस के लिए ज़रूरी होना चाहिए। द सिंपलेस्ट लीनियराइज्ड हैमिल्टोनियन फॉर अ फ्री पार्टिकल इस, फिर उसने हैमिल्टोनियन को लीनियर फॉर्म में देने की कोशिश करी, और जो सिंपलेस्ट फॉर्म उसने बताई डिराक ने वो क्या हो सकती है कि एच इज इक्वल्स टू सी अल्फा डॉट पी प्लस बीटा एम सी स्क्वायर, दैट इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। अब हियर बीटा, आपके जो बीटा हैं और जो अल्फ़ा हैं, बीटा तो एक सिंगल है पर अल्फ़ा के कॉम्पोनेंट्स हैं, आर येट अनडिटरमाइंड, इनकी जो कॉम्पोनेंट्स हैं इनकी वैल्यू अभी तक हमने डिटरमाइंड नहीं करी है, एक्सेप्ट दैट वी पोस्टुलेट दैम टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ पी। बस हम ये बता सकते हैं कि ये जो हैं ये आपके इसके कॉम्पोनेंट्स, ये दोनों जो क्वान्टिटीज़ हैं आपकी अल्फ़ा और पी, ये दोनों क्या होने चाहिए, पी से इंडिपेंडेंट होने चाहिए। दिस इम्प्लाइज दैट दे कम्यूट विद आर, और इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा कि ये आर के साथ कम्यूट करेंगे। कम्यूटेशन आपने रिलेशंस आपने पढ़े ही हैं, अगर आपका एक्स और पी में कम्यूटेशन रिलेशन है तो
क्या वैल्यू होगी, क्या चीज़ वो फॉलो करेगा। तो अगर आपको ये रखना है कि पी जो है वो पी से ये दोनों फैक्टर्स इंडिपेंडेंट रहे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये आर के साथ कम्यूट करें। वी ऑल्सो रिक्वायर्ड दैट दे मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ आर एंड टी, यानी कि ये पी से तो इंडिपेंडेंट होने ही चाहिए, ये आर और टी से भी इंडिपेंडेंट होने चाहिए। सिंस अदरवाइज द एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन एम्प्टी स्पेस वुड डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एंड द इंस्टेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो टोटल एनर्जी है पार्टिकल की वो किस पे डिपेंड करेगी, पोजीशन पे डिपेंड करेगी और इंस्टेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कि किस टाइम पे उस ऑब्जर्वेशन को लिया गया। डस दे ऑल्सो कम्यूट विद पी, और वो किसके साथ कम्यूट करेगी, पी के साथ करेगी। सब्स्टिट्यूटिंग एच, अब जो इसने माना एच की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में जो कि लीनियर फॉर्म में माना, उसको हम किस में रख दें, इक्वेशन नंबर 1 में रख दें। तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो इक्वेशन आएगी वो कुछ इस तरीके की होगी, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन नंबर 3। सी अल्फा डॉट टी प्लस बीटा एम सी स्क्वायर साई आर टी इज इक्वल्स टू आयोटा एच क्रॉस डेल साई आर टी बाई डेल टी, दैट इज़ योर इक्वेशन नंबर 3। इसको जब मैंने इसमें सब्सटीट्यूट करा तो मैं क्या कर सकती हूँ बाद में इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, कि मैं इसको या डिराक ने क्या करा, जो आपकी पी और ई की जो ऑपरेटर फॉर्म में वैल्यूज थी वो यहाँ पे इसने सब्सटीट्यूट कर दी। तो यहाँ पे जब इसने सब्सटीट्यूट करी तो पी की आपको पता है वैल्यू होती है आयोटा एच क्रॉस डेल, तो इसने यहाँ पे इसको पी को ऑपरेटर फॉर्म में यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया। तो सी अल्फा डॉट माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल प्लस बीटा एम सी स्क्वायर साई आर टी इज इक्वल्स टू आयोटा एच क्रॉस डेल साई आर टी बाय डेल टी। अब ये जो टर्म है आपकी जो कि राइट हैंड साइड में है, उसको भी हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ सकते हैं और एक सिंगल इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब हम इसको सिंगल इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी दैट विल बी आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल टी प्लस साई हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे साई भी आएगा, ओवरऑल ये इसमें से कॉमन आएगा, यहाँ दिस इज देयर विल बी अ ब्रैकेट साइन हियर प्लस आयोटा, क्योंकि हम इधर लेके जा रहे हैं तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आयोटा एच क्रॉस सी अल्फा डॉट डेल, अल्फा का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा डेल के साथ क्योंकि बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है, तो आपके बाहर की तरफ आ जाएंगी, माइनस बीटा एम सी स्क्वायर साई आपका कॉमन आ गया इज इक्वल्स टू जीरो। एज ऑलरेडी इंडिकेटेड दैट इफ़ दिस इक्वेशन इज टू डिस्क्राइब अ फ्री पार्टिकल, अगर हमें पता है कि इस इक्वेशन को अगर एज अ फ्री पार्टिकल इक्वेशन हमें डिनोट करना है, देयर कैन बी नो टर्म इन द हैमिल्टोनियन दैट डिपेंड अपॉन द स्पेस एंड टाइम। यह भी मैंने आपको समझाया था कि अगर आपको उसे फ्री पार्टिकल इक्वेशन के फॉर्म में अगर आपको उसको रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे ऐसी कोई भी टर्म नहीं होनी चाहिए जो कि किस पे डिपेंड करे, स्पेस और टाइम कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करे। कंसिक्यूटली अल्फा एंड बीटा आर इंडिपेंडेंट ऑफ आर टी पी एंड ई, दैट मीन्स कि जो आपके अल्फ़ा हैं और जो बीटा हैं वो किससे इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, किस पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए, आर पे, पोजीशन पे, टाइम पे, मोमेंटम पे एंड एनर्जी पे। हैंस इनके साथ क्या करने चाहिए, वो कम्यूट करने चाहिए। दिस डज नॉट नेसेसरीली मीन दैट अल्फ़ा एंड बीटा आर नंबर्स, पर इससे आप ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू नंबर के फॉर्म में ही होगी, सिंस दे नीड नॉट कम्यूट विद ईच अदर, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक दूसरे के साथ कम्यूट करें। रीराइटिंग इक्वेशन 1 एज इक्वेशन जो 1 थी दिस वन, इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिख रही हूँ, इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिखूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस वन, क्योंकि इधर आ रहा था एच साई और इधर आ रहा था ई साई, तो ई साई को मैंने ई ही लिख दिया, मतलब आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल टी लिख रहे थे तो मैं इसको ई लिख सकती हूँ। माइनस सी अल्फा डॉट पी, यहाँ एच आ रहा था, एच की जगह मैंने जो डिराक ने हैमिल्टोनियन माना था, इमेजिन किया था इन लीनियर फॉर्म, उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। ई माइनस सी अल्फा डॉट पी माइनस बीटा एम सी स्क्वायर साई आर टी इज इक्वल्स टू जीरो, दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 5। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस इक्वेशन में दोनों तरफ इस क्वान्टिटी से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि इधर तो ज़ीरो है तो इधर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इधर मैं इसको सब्सटीट्यूट कर दूंगी, तो इधर सब्सटीट्यूट करूंगी तो मेरे पास आएगा e प्लस सी अल्फा डॉट पी प्लस बीटा एम सी स्क्वायर, और e माइनस सी अल्फा डॉट पी माइनस बीटा एम सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साई इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये एक तरीके से आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है, ये ए प्लस बी ए माइनस बी के बराबर होता है। जब मैं इसको उसका रिवर्स फॉर्म में लेके जाऊंगी तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस दिस क्वांटिटी का होल स्क्वायर ब्रैकेट्स साई इज इक्वल्स टू जीरो।
अब मैं इसको खोलती हूँ, जब मैं इसको खोलूँगी तो आप ध्यान रखिएगा, आपको इनको खोलने के लिए आप इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मतलब डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो जब आप इसको खोलोगे तो ई स्क्वायर मैंने एज इट इज़ लिखा, फिर मैंने इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से मैं इसको खोलूँगी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको क्वांटिटीज़ को इंडिपेंडेंटली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ए बी अलग टर्म लिखनी पड़ेगी प्लस ए बी अलग टर्म लिखनी पड़ेगी। वही चीज़ हमने यहाँ पे कर रखी है, ई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अल्फ़ा डॉट पी का होल स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर एम स्क्वायर सी फोर, क्योंकि यहाँ पे सारी कॉन्स्टेंट क्वान्टिटीज़ हैं, माइनस एम सी क्यू। जब आप अलग अलग इंडिपेंडेंटली टर्म्स को ऑपरेट करेंगे तो आपके पास इस तरीके से टर्म्स आ जाएंगे, दिस इज़ मैथमेटिक्स टोटली, तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जो आपकी बेसिक चीज़ जो ध्यान रखनी थी वो मैंने आपको बता दी है, और ये चीज़ मैंने आपको पुराने लेक्चर्स में भी बताई है, तो आपको यही करना है एंड दैट विल बी योर इक्वेशन नंबर सिक्स। अब हमें पता है कि अल्फ़ा एक वेक्टर है, तो अल्फ़ा को हम कैसे खोल सकते हैं, आयोटा अल्फ़ा एक्स, क्योंकि आपके पास तीन एक्सेस होंगी तो तीनों में इसके अलग अलग कॉम्पोनेंट होंगे, तो आई आयोटा अल्फ़ा एक्स प्लस जे अल्फ़ा वाई प्लस के अल्फ़ा जेड। इसी तरीके से पी को खोल सकते हैं, आई पी एक्स प्लस जे पी वाई प्लस के पी जेड। जब अल्फ़ा डॉट पी निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ दो टर्म्स आ रही हैं, ये टर्म आ रही है अल्फ़ा डॉट पी, तो सिंपली आपका डॉट प्रोडक्ट जब आप करते हैं तो आई डॉट आई वन हो जाता है, जे डॉट जे वन हो जाता है, के डॉट के वन हो जाता है, तो आपका क्या आ जाएगा, अल्फ़ा एक्स पी एक्स प्लस अल्फ़ा वाई पी वाई प्लस अल्फ़ा जेड पी जेड। ये आपके पास क्वांटिटी आ गई, ये क्वांटिटी मैं आपकी इक्वेशन नंबर सिक्स में रख देती हूँ। इक्वेशन नंबर सिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप इक्वेशन सिक्स में इसको रख रहे हैं तो दिस इज़ होल स्क्वायर, ये टर्म आ गई, और यहाँ पे भी आपका अल्फ़ा डॉट पी आ रहा है, तो यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। आप इस इधर यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक बार यहाँ आ रहा है एक बार यहाँ आ रहा है, तो दोनों क्वांटिटीज़ को मैं अलग अलग लिख रही हूँ। यहाँ पे रखने के बाद मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर सेवन। अब इक्वेशन नंबर सेवन में ये देखिए आपका ये होल स्क्वायर आ रहा है, तो आप इसको डायरेक्टली ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से नहीं खोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये हमें नहीं पता कि अल्फ़ा एक्स और पी एक्स क्या हैं, मैट्रिक्स भी हो सकती है, ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं, तो हम इनको डायरेक्टली ऑपरेट नहीं कर सकते। और ये तो हमें पता ही है कि पी आपका क्या है, ऑपरेटर है, मोमेंटम ऑपरेटर है, तो ये भी आपका डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, तो हम अलग अलग टर्म्स को इंडिविजुअली लेके इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी ये जो फाइनल इक्वेशन है एट, वो आपकी आ जाएगी। आपको इसको पूरा खोल के सॉल्व करके देखना पड़ेगा, इट विल ईजीली गेट सिंप्लीफाइड। यही चीज़ आपको यहाँ पे भी ध्यान रखनी है, आपका जो एम सी क्यूब है वो आपका कॉमन आ रहा है, एक में बीटा बाहर आ रहा है एक में बीटा पहले आ रहा है, तो जब आप इसको मैथमेटिकली, आप ऑपरेटर्स क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि ये इक्वेशन आपकी इजीली आ जाएगी। इक्वेशन एट आने के बाद आपको क्या करना है, वेयर द सब्सटीट्यूशन आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल टी फॉर ई एंड आयोटा एच क्रॉस डेल फॉर पी आर इम्प्लाइड के जी इक्वेशन इज। अब आपको पता है कि हमारे पास जो इक्वेशन है के जी इक्वेशन, वो इस तरीके से आती है, सिंपल जो आपकी इक्वेशन आती है वो आती है ई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी फोर। तो वो इक्वेशन, जनरल जो इक्वेशन हमारे पास आती है रिलेटिविस्टिक इक्वेशन, वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। दोनों इक्वेशंस को मैं कंपेयर जब करूँगी, क्योंकि यहाँ पे भी ई स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे भी ई स्क्वायर आ रहा है, सी स्क्वायर भी आ रहा है, पर उसके साथ आपका कुछ अलग क्वान्टिटी आ रही है, यहाँ पे कुछ अलग क्वान्टिटी आ रही है। एम स्क्वायर सी फोर का कॉम्पोनेंट आपको कॉन्स्टेंट वाला जो है वो निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए एम स्क्वायर सी फोर के साथ आपका कुछ क्वांटिटी भी आ रही है। तो जब आप इनको कंपेयर करेंगे, इक्वेशंस को कंपेयर आता है आपको करना, तो इक्वेशन एंड एट नाइन को कंपेयर करने के पास हमारे पास क्या कंक्लूजन्स आएंगे कि ये जो आपकी क्वांटिटीज़ हैं अल्फ़ा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा जेड स्क्वायर। ये तो आपको क्लियरली दिख ही रहा है कि ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए, इज इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन। दूसरा आपका क्या आएगा, ये जो कम्यूटेशन रिलेशंस आ रहे हैं अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई प्लस अल्फ़ा वाई अल्फ़ा एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो आना चाहिए। इसी तरीके से अल्फ़ा जेड अल्फ़ा अल्फ़ा वाई अल्फ़ा जेड प्लस अल्फ़ा जेड अल्फ़ा वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, अल्फ़ा जेड अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा जेड इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आएंगे आपके कंपेयर करने के बाद। इसी तरीके से अल्फ़ा एक्स का बीटा के साथ
जो आपका एंटी कम्यूटेशन रिलेशन है वो भी आपका क्या आएगा, जीरो। तो आपके पास कंपेयर करने से 9 और 10 रिलेशन्स आएंगे। दैट इज़ द 4 क्वांटिटीज अल्फ़ा एक्स, अल्फ़ा वाई, अल्फ़ा जेड एंड बीटा हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। तो इससे हमने ये कंक्लूड करा कि एच को अगर हमें लीनियर फॉर्म में लिखना है तो उसको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी और अल्फ़ा और बीटा किस तरीके की क्वांटिटीज़ हो सकती हैं जब हमने इसको उस फॉर्म में लिखा है। जो चीज़ हमें निकालनी थी उसी चीज़ को हम मान के चल रहे हैं और उसको मान के चलने के बाद क्या रिजल्ट्स आए हैं, किस तरीके से अल्फ़ा और बीटा को हमें कंसिडर करना पड़ेगा या क्या होना चाहिए, वो चीज़ें हमारे पास आ गई। देयर स्क्वायर्स आर यूनिटी, इनकी स्क्वायर की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 1 के बराबर होनी चाहिए। एंड दे एंटी कम्यूट विद वन अनदर इन पेयर्स। हमने दो चीज़ें देखी, एक तो इनकी स्क्वायर की वैल्यू जो है 1 होनी चाहिए और ये एक दूसरे से एंटी कम्यूट करते हैं, कम्यूट नहीं करते हैं। अगर कम्यूट करते तो क्या आता, अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई माइनस अल्फ़ा वाई अल्फ़ा एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, पर माइनस साइन नहीं आ रहा है आपका, प्लस साइन आ रहा है। दैट मीन्स कम्यूट नहीं कर रहे हैं ये एक दूसरे के साथ, एंटी कम्यूट कर रहे हैं। सिंस अल्फ़ा एंड बीटा एंटी कम्यूट रैदर देन कम्यूट विद ईच अदर, दे कैन नॉट बी नंबर्स। तो जो हम चीज़ कह रहे थे कि ज़रूरी नहीं है ये नंबर हैं, इससे कन्फर्म हो गया कि ये नंबर तो हो ही नहीं सकते क्योंकि ये आपस में एंटी कम्यूट कर रहे हैं। मोर ओवर द क्वान्टिटीज़ ऑफ दिस टाइप कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मैट्रिसेस। तो हमें अल्फ़ा और बीटा को किस फॉर्म में मानना पड़ेगा, मैट्रिसेस के फॉर्म में माना पड़ेगा, यानी कि डिफरेंट कंडीशंस पे इनकी डिफरेंट वैल्यूज़ होगी। एंड इट इज़ कन्वीनियंट टू फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ देम, और ये ज़रूरी है कि हम इनके लिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालें। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मैट्रिसेस के बारे में ही पढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू।